जय हिंद दोस्तों, पेनी स्टॉक को डिस्कशन करने का टाइम आ गया है और डिस्कस करेंगे आज स्टॉक के बारे में। वो है विकास मल्टीकॉर्प, जो 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई स्टॉक ने पिछले दिनों लगा दिया था, पिछले साल में माफ कीजिएगा, 21 रुपए का। और आज स्टॉक वहां से लगभग कितना 90% 85% डिस्काउंट के आसपास स्टॉक मिल रहा है और अपना जो ऑल टाइम लोस है उसके ऑलमोस्ट उसके आसपास शायद जाने की कोशिश कर रहा है फिलहाल। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल्स कैसे और क्या इसमें थोड़ा सा निवेश बनता है। मार्केट कैप 200 करोड़, स्टॉक की पीई 1244, 52 वीक लो 1.15 और 52 वीक हाई 21.4। यहाँ से 85% डिस्काउंट अभी 3 रुपए में मिल रहा है। और कंपनी कर क्या रही है उसको देख लेते हैं। विकास मल्टीकॉर्प इज इंडिया बेस्ड कंपनी दैट इज अ पॉलीमर एंड पॉलीमर रिलेटेड ट्रेडिंग कंपनी। पॉलीमर और पॉलीमर में ट्रेडिंग करती है। द कंपनी इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स की ट्रेडिंग करती है। केमिकल्स कंपाउंड्स, पॉलीमर्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड रेंज, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, आइटम्स रिलेटेड टू प्लास्टिक इंडस्ट्री। सो ये बेसिक ब्रीफ है कंपनी करती क्या है। अब हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करेंगे, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हमें देखने ये मिल रहा है यहाँ पे हर साल जो है 2017 से हर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है हर साल ग्रो होते जा रहा है, सेल्स भी ग्रो होते जा रहे हैं, एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिस पर हमें ध्यान देना है वो बढ़ते जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी जिसे हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 2020 में थोड़ी गिरावट देखने मिलती है यहाँ पे। और नेट प्रॉफिट को देखें वहां पर भी गिरावट थी, फिर 1.48 हुआ, 2 हुआ, फिर थोड़ा कम हो गया यहाँ पे 1.4। और ईपीएस पॉजिटिव है 0.03, 0.03, फिर 0.02। सो नंबर में इतना भी कोई ऐसा बदलाव नहीं देखने मिल रहा है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर देखें तो वो हर साल बढ़ते जा रहा है। अब बैलेंस शीट में जाएगी, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। कंपनी के ऊपर 40 करोड़ रुपए का कर्ज है और एसेट्स कंपनी के पास अराउंड 254 करोड़ के। एंड कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 200 करोड़ का है। सो 200 करोड़ का मार्केट कैप प्लस 255 करोड़ का एसेट्स एंड उसके सामने सिर्फ 40 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के बारे में। एंड इन्वेस्टर्स को देखें मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स 33.72, प्रमोटर्स, फिर एफआईआईस 13.18। एफआईआईस का यहाँ पे इंटरेस्ट देखिए कितना बना हुआ है, फिर डीआईआईस को कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 53.1% है। सो कर्ज जो है कंपनी के पास मतलब कर्ज जो है वो ज़्यादा 40 करोड़ तो है, बट एसेट्स और कंपनी के मार्केट कैप के मुकाबले वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट देखने मिल नहीं रहा है। प्लस कंपनी के जो नंबर्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। सो कंपनी पे नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब चार्ट पैटर्न्स पे जाएंगे और जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो कब से है, वो है 8 मई 2019। सो मई 2019 से डाटा हमारे पास है और ये जो पैटर्न फिलहाल हमें देखने मिल रहा है वो डेली बेसिस पर मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है। और अब स्टार्ट करेंगे एनालिसिस करना। और पिछले दिनों आप देख सकते हैं स्टॉक 90 डिग्री से ऊपर गया था एंड वहां से जो है स्टॉक फन वे नीचे भी आया है। एंड यहाँ पर स्टॉक ने क्या बना दिया, स्टॉक ने यहाँ पर बना दिया अपना एक कर्व। जी हाँ, स्टॉक ने बना दिया कर्व। और आगे जाएंगे तो देखेंगे क्या देखने मिलता है कि जो हाई पॉइंट है उसके साथ में सारे हाई पॉइंट्स कनेक्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे। एंड स्टॉक का ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। एंड और डीप में अगर इसको स्टडी करेंगे तो स्टॉक का जो एग्जैक्ट है मतलब ब्रेकआउट हुआ कुछ इस तरह से, ये जो पैटर्न है इसे हम कह सकते हैं, आप देख लीजिए इस तरह से हुआ है। और जो पैटर्न है वो है फॉलिंग वेज। जी हाँ, फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया एंड वहाँ से निकलने के बाद स्टॉक ने यहाँ देख लीजिए और एक कर्व लगा लिया एंड फाइनली स्टॉक जो है अभी कंसोलिडेट कर रहा है, आराम कर रहा है, सुस्ता रहा है। जी हाँ, कंसोलिडेट कर रहा है, आराम कर रहा है, सुस्ता रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो पेनी स्टॉक है अपने ऑल टाइम लो की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, आप देख सकते हैं ये जो लेवल है फिलहाल यहाँ पे। जून 2020 के बाद पहली बार इसके आसपास स्टॉक आया है। ओके, सो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ रेफरेंस के लिए, आप देख लीजिए ये जो लेवल है जून 2000, इस लाइन को मैं थोड़ा थिक कर देता हूँ एंड नॉर्मल लाइन कर देता हूँ और कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सो स्टॉक जो है यहाँ पे कब आया है, 6 महीने बाद आया है, जून में आया था, माफ कीजिएगा 6 महीने बाद नहीं, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने बाद फिर से उन लेवल के पास आया है स्टॉक। बट नंबर्स को अगर देखें तो नंबर्स काफ़ी बढ़िया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, एफआईआई का बहुत अच्छा इंटरेस्ट है स्टॉक में एंड अपने हाई से 85% डिस्काउंट के आसपास स्टॉक अवेलेबल है। सो ये है विकास मल्टीकॉर्प, 3 रुपये का पेनी स्टॉक है। एंड पहले भी हमने डिस्कशन किया है पेनी स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट कितना अमाउंट करना है, उतना अमाउंट करना है जो किसी कारण शून्य हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी के लिए वो अमाउंट 2000 होता है, किसी के लिए 1500, किसी के लिए 1000, किसी के लिए 500, किसी के लिए 200 या किसी के लिए 100 रुपए। जी हाँ,
एज पर योर कैपेसिटी, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। और इतना पैसा कम इन्वेस्ट हमें इसलिए करना होता है क्योंकि स्टॉक जो है सर्किट टू सर्किट ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 8 जून को स्टॉक का भाव था 3 रुपये और 21 अगस्त, जी हाँ जून जुलाई अगस्त, 3 महीने में स्टॉक का दाम हो गया 20 रुपये। जस्ट इमेजिन, 3 रुपये का स्टॉक 21 रुपये हो गया, मतलब 7 टाइम्स पैसे बन गए। और वही 21 रुपये का स्टॉक सितंबर महीने में शुरू हो गया एंड फाइनली आज अगर देखो तो 3 रुपये का है। सो पेनी स्टॉक जो होते हैं सर्किट टू सर्किट ट्रेड करते हैं एंड बहुत ज्यादा रिस्क होता है इसमें, इसलिए हमें इतना पैसा डालना होता है जो किसी कारण जीरो हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड पेनी स्टॉक में टारगेट क्या होता है, अगर हमारे इन्वेस्ट करने के बाद अगर वो पैसा वहां से दुगना हो जाए, जी हाँ वहां से डबल हो जाए, तो हमें वहां पे अपना कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया उसको निकालना है। इसका फायदा ये है, हम पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री हो गए, आगे जाके कंपनी शून्य हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने जो भी मेहनत का पैसा इन्वेस्ट किया था वो तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। ओके, एंड आगे जाके अगर स्टॉक मल्टी बैगर बनता है, वो कोई बड़ा रिटर्न हमें देखने मिलता है, तो प्रॉफिट तो हमारा ही है। ओके, एंड कैपिटल विड्रॉ करने का और एक फायदा ये है कि वो पैसे हम दूसरे किसी बढ़िया से वो फंडामेंटली और टेक्निकली बढ़िया पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से कुछ इन्वेस्ट करना होता है पेनी स्टॉक में। मैं फिर से रिपीट करूंगा, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है, ट्रेड नहीं। एंड अगर आपके पास पेशेंस होंगे तो ही आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, वरना नहीं। क्योंकि पेनी स्टॉक जो होते हैं वो सालों साल एक ही रेंज में घूमते रहते हैं, जी हाँ एक ही पर्टिकुलर रेक्टेंगल जो रेंज होती है, इस तरह की जो रेंज है इसी तरह की रेंज में सालों साल घूमते रहते हैं एंड आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये था कुछ बेसिक और सरल भाषा में एनालिसिस विकास मल्टीकॉर्प। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।